यूपी नगर निकाय चुनाव में अखिलेश यादव ने बीजेपी पर लगाया चुनाव में धांधली करने का बड़ा आरोप। अखिलेश यादव का योगी आदित्यनाथ को करारा जवाब, सरकार ने कानून व्यवस्था को व्हील चेयर पर पहुंचा दिया। अखिलेश ने कहा, समाजवादी पार्टी की सरकार ही यूपी में नौजवानों को रोजगार, छात्रों और युवाओं को लैपटॉप देगी। यूपी नगर निकाय चुनाव की तैयारियों को अंतिम रूप दे रहे सपा मुखिया अखिलेश यादव ने बीजेपी पर बड़ा आरोप लगाया है, साथ ही चुनाव में धांधली करने का अंदेशा भी जताया है। सपा विधायक आलम बदी आजमी का मतदान सूची से नाम गायब होने की खबर पर समाजवादी पार्टी के सोशल मीडिया सेल से ट्वीट करके उन्होंने लिखा, जब विधायकों तक के नाम मतदाता सूची से काटे जा रहे थे तो ऐसे में चुनाव आयोग किस मुंह से निष्पक्ष चुनाव कराने के दावे करता है। यूपी के निर्वाचन आयुक्त मनोज कुमार एसी कमरे में बैठकर बीजेपी दफ्तर से निर्देश प्राप्त करते हैं और सपा की आपत्तियों के बावजूद चुनावी बेईमानी को बढ़ावा देते हैं। सपा के इस ट्वीट के अलावा अखिलेश यादव चुनाव में धांधली करने का आरोप भी लगा रहे हैं। उन्होंने कहा कि पैसे और प्रशासन के दम पर भाजपा चुनाव जीतना चाहती है और इसी के साथ सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भाजपा को झूठे का गैंग बताने के साथ ही निकाय चुनाव में धांधली करने का आरोप जड़ा। आपको मालूम हो कि उत्तर प्रदेश में इस वक्त निकाय चुनाव अंतिम चरण में है। चुनाव प्रचार के दौरान प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव काफी आक्रामक नजर आ रहे हैं और उन्होंने सरकार पर हमला बोला है। समाजवादी पार्टी के मुखिया ने आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी निकाय चुनाव में धांधली कर रही है, लेकिन चाहे वो कितना भी धांधली कर ले अब जनता उनके बहकावे में नहीं आने वाली। बीजेपी झूठों का गैंग है, इन्हें विकास और नफरत से चिढ़ है। इस वक्त देश प्रदेश में संविधान और लोकतंत्र खतरे में है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 3 मई को मऊ में जनसभा को संबोधित किया था। उन्होंने इशारों में कहा था कि मऊ की कानून व्यवस्था को व्हील चेयर पर लाने वाले आज खुद व्हील चेयर पर हैं। अब अखिलेश यादव ने पलटवार करते हुए कहा कि व्हील चेयर का उपहास नहीं उड़ाना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे बीमार लोग और बुजुर्ग व्हील चेयर का प्रयोग करते हैं। अखिलेश ने तंज कसते हुए कहा कि भाजपा सरकार ने तो उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को ही व्हील चेयर पर पहुंचा दिया है। भाजपा को जनता के मुद्दों और समस्याओं से मतलब नहीं है। भाजपा की कार्यप्रणाली और नीतियों से जनता में भारी निराशा है। उत्तर प्रदेश की जनता भाजपा से निजात पाना चाहती है। सपा अध्यक्ष ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि भाजपा भी समझ गई है कि लोग उसके कुशासन से त्रस्त हैं। जनता उनके खिलाफ वोट कर रही है, इसलिए भाजपा पैसे और प्रशासन के बल पर धांधली करने पर उतारू है। बेईमानी से लोकतंत्र पर कब्जा करना चाहती है। निकाय चुनाव में जगह जगह भाजपा के नेताओं ने जिस तरह कारनामा किया उसको जनता ने देखा है। इससे पहले भाजपा ने विधान परिषद, जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुख के चुनावों में प्रशासन और पैसे के बल पर बेईमानी की, अब फिर वही करना चाहती है। लेकिन इस बार जनता ने भाजपा को सबक सिखाने का मन बना लिया है। अखिलेश यादव ने इस दौरान कहा कि लोगों को उम्मीदें समाजवादी पार्टी से हैं। जनता जानती है कि समाजवादी पार्टी ही विकास करेगी, समाजवादी पार्टी की सरकार ही नौजवानों को रोजगार देगी, छात्रों और युवाओं को लैपटॉप देगी। भाजपा ने विकास का कोई कार्य नहीं किया। समाजवादी पार्टी की सरकार के समय जो विकास कार्य हुए थे उसे भी भाजपा ने बर्बाद कर दिया। कुल मिलाकर कहे तो इस बार के नगर निकाय चुनाव में समाजवादी पार्टी जीत का परचम लहराने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। इसी के मद्देनजर अखिलेश चुन चुन कर बीजेपी पर निशाना साध रहे हैं और जनता से समाजवादी पार्टी को वोट करने की अपील कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, द न्यूज़ लॉन्चर।